नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिस्किट, जो कि बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट हैं और शुगर पेशेंट भी इनको ले सकते हैं। तो आइए बनाते हैं। एक कटोरी मल्टीग्रेन आटा लिया है मैंने, एक कटोरी ओट्स और अलसी का पाउडर लिया है, और आधा कटोरी सूजी, जीरा और अजवाइन, 2-3 चम्मच देसी घी, 1 कटोरी दूध। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। तवा गर्म होने के बाद इसमें अजवाइन और जीरा रख दिया है भूनने के लिए। इसको हल्की आंच में भूनना है, तेज आंच में ये जल जाएगा। अच्छे से भूनने के बाद इसको हटाना है। देखिए दोस्तों, ये हो चुका है ब्राउन, हल्का ब्राउन हो चुका है ये। अब इसमें से धुआं उठने लग गया है, अब ये निकाल दिया है। एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें अलसी और ओट्स पाउडर, मल्टीग्रेन आटा, आधा कटोरी सूजी, अजवाइन और जीरा भुना हुआ, 2-3 चम्मच देसी घी और छोटे 2 चम्मच मैंने चीनी लिया है। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, उसके बिना भी ये स्वाद बनेगा। और दूध से आटे को गूंद दिया है। बादाम रखे थे मैंने भिगाने के लिए, 4-5 बार बादाम धो के कूट के आटे में मैंने मिक्स कर दिए हैं। तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। इस तरह से छोटी छोटी लोई बना के हम गोल गोल बिस्किट बनाते जाएंगे और सारे बिस्किट एक बार ही तैयार कर लेंगे। अब तेल हो चुका है गरम, इसमें हम एक के बाद एक डालते जाएंगे। दोस्तों, आंच को धीमी रखना है, नहीं तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरह से इनको हल्की आंच पे अच्छे से तल लेना है। तो दोस्तों, ये बिस्किट हमारे हो गए हैं रेडी। देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं है, बिल्कुल ऑयल फ्री बिस्किट है ये, कोई तेल नहीं है इसमें। तो दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और शुगर पेशेंट को भी खिलाइए, आप भी खाइए, सभी को ये बहुत पसंद आएंगे। ऐसे में उम्मीद करती हूँ अगले वीडियो तक के लिए। नमस्कार।